अस्सलामुअलैकुम। आज अवेज़ भाई आए लाहौर से, तो उसके साथ जाएंगे दरा आदमखेल, तो आपको दरा आदमखेल दिखाएंगे। आइए मेरे साथ रहिए। अस्सलामुअलैकुम। ये अवेज भाई आया हुआ है लाहौर से, तो अभी हम जा रहे हैं दरा आदमखेल। तो अवेज भाई किस तरह लग रहा है आप दरा आदमखेल जा रहे हो? आप लोग बड़ा डरते हो यार। नहीं, हम तो नहीं डरते, ये मेरे दोस्त हैं पीछे, इन्हें शौक था। मैं तो काफ़ी दफ़ा हो के आया हूँ ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह उधर अच्छा चल रहा है। मैं तो आता रहता हूँ, ये फर्स्ट टाइम आए हैं। बस इनको विज़िट करवाना था दरा आदमखेल। इन्होंने नाम सुना हुआ था टीवी में, खबरों में। हमने कहा चलो आज आपको लाइव दिखाते हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो मैं ज़्यादातर पंजाब में रहा हूँ ना, ये पंजाब के लोग पेशावर से भी डरते हैं, दरा आदमखेल तो बड़ी दूर की बात है, तो आप क्या कहते हो यार? बस आवाम को अवेयरनेस नहीं इतनी ज़्यादा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मुखलिस हैं, अच्छा साथ देने वाले हैं, सिर्फ हमारी आवाम को इतनी अवेयरनेस नहीं है। बस उल्ट पटांग की खबरें सुन के उनके जहन इस तरह के अजीब से हो गए हैं, जो वो इस तरह समझते हैं कि यार बहुत बुरा एरिया है। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं यहाँ पे। ये आप उस साइड पे भी गए हो ना, तोरहम वाली साइड पे भी गए हो, इस साइड पे भी गए हो, तो आपने कुछ महसूस किया है कि नहीं यार? तुरखम वाली साइड पे ज़्यादातर जो है ना वो इस्लामिक रूल फॉलो होता है ना, बस वो अपने अपने काम पे लगे हुए हैं ना। यहाँ पे पेशावर में फिर भी दुनियादारी है, उस वाली साइड पे, तुरखम वाली साइड पे ये नहीं है। बस वो अपना अपना काम करेंगे, ठीक है, अजान का टाइम होगा, नमाज का टाइम, वो आराम से कौन से रेडियाँ ओपन हैं, चले जाएंगे। मैंने ये फ़र्क महसूस किया उधर। तो आप लोग हमारे साथ रहिए, दरा आदमखेल आपको दिखाते हैं।사람들은 날 떠나가는 차가 없어 이제는
ये हम शाहिद हुसैन भाई के दुकान पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे हम खाना भी खाएंगे। यहाँ के कबाब बड़े मशहूर हैं, तो ये शाहिद हुसैन भाई ने स्पेशल इनके लिए मंगवाए हैं। और ये है हमारा शाहिद हुसैन भाई। क्या हाल है शाहिद हुसैन भाई? ठीक है, ठीक ठाक। यार ये थोड़ा सा हमें बताएं अपने ये हिस्ट्री के बारे में, दर आदम खेल के बारे में, कि कौन यहाँ पे आया था, किसने ये निज़ाम शुरू किया था। ये खान साहब को नहीं पता, इसके बुरे शुरू किया था। ये भाई हमें नहीं पता है कि किसने शुरू किया था। अच्छा, वैसे हम जो है निकले आए हैं 2015 में, ठीक है। अच्छा, 2015 से पहले जो था वो हमें नहीं पता है। ये तो बस मैंने हिस्ट्री इसकी थोड़ी सी देखी है। ये एक अंग्रेज़ फौजी था, उसने बगावत की थी यहाँ पे, उसने फैक्ट्री बनाई थी असले की, और उसके बाद यहाँ का निज़ाम इसी तरह चला है। तो अफगानिस्तान का जब जंग शुरू हुआ था तो यहाँ के लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ था। तो अभी तो ये इलाका खैबर पख्तूनख्वा में ज़म हो गया है, तो अभी इसका बिजनेस बहुत ख़तरे में पड़ गया है। लेकिन KPK की जो गवर्नमेंट है वो भी सोच रही है कि इसके लिए हम कोई अच्छा सा इकदाम करें। तो आपका क्या ख्याल है? मेरा तो ये ख्याल है कि दर आदम खेल का जो मार्केट है ना, इसको सूबे के साथ जो है मर्ज करना चाहिए, क्योंकि इधर का जो निज़ाम है वो हुकूमती तौर पे भी सही हो जाएगा। लोग जो है अपनी मतलब कि क्या कहते हैं वो, कि लोग आएंगे अपना लाइसेंस लेके असला ख़रीद सकते हैं, ठीक है। हमारे ज़्यादातर दोस्त हैं जो पंजाब के रहने वाले होते हैं, लेकिन वो इधर आने के लिए जो है दिल नहीं करते, कहते हैं कि नहीं भाई दर आदम खेल में नहीं आ सकता। अगर इधर पुलिस निज़ाम आ जाए तो उसको जो है ये तकरीबन हो जाएगा कि भाई कम से कम पुलिस तो वहाँ पे सिक्योर होगी, वो डरेंगे नहीं, वो डरेंगे नहीं, और ये सोचेंगे कि भाई कम से कम पुलिस तो वहाँ पे होगी जो हमारी सिक्योरिटी के लिए अच्छा है। लेकिन इस तरह से कोई नहीं, अगर इधर पुलिस ना भी होना तो इधर जो है इस तरह, हाँ बिल्कुल अमन अमान है इधर का, कोई इस तरह सीन नहीं है कि बंदे डर जाए और इधर आने के लिए जो है वो डरेंगे कि भाई हम नहीं आ सकते, इस तरह कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका बिजनेस पंजाब में भी है, लेकिन पंजाब के लोग काफ़ी डरते, वो यहाँ नहीं आते, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि आप लोग इधर आए, विजिट करें, देखें मार्केट, देखें, समझें, ठीक है। तो इस तरह कुछ बहुत आइडिया हो जाएगा आप लोगों को, और बहुत ही मतलब कि आपके नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। आप दर आदम खेल आ जाएंगे, देखेंगे और खूब इंजॉय करेंगे। मैंने तो ये भी देखा भी है, सुना भी है कि यहाँ के तकरीबन 30% बिजनेस वो ख़राब हो गए, ख़त्म हो गए। हाँ तकरीबन बस चल रहे हैं, थोड़ा बहुत चल रहा है, चल रहा है। तो यार मैं तो कहता हूँ हुकूमत को चाहिए इसको सपोर्ट करें इन लोगों को, क्योंकि ये हमारे जो मईशत है उसमें काफ़ी बेहतरी ला सकते हैं। असले की बिजनेस जो है वर्ल्ड वाइड बड़ा उसका ट्रेंड है। हाँ, तो हुकूमत के लिए हमारा अपील ये है पहले नंबर पे कि वो उसको चाहिए कि पंजाब से जो है लाइसेंस को ओपन कर दे और जो है शुरू कर दे, मतलब कि लोग जो है नॉर्मली अपना लाइसेंस बनवा सके। और दूसरे नंबर पे हमारे लिए जो कोई प्रॉपर तरीका निकाल सके कि हम ऑनलाइन बिजनेस करें, वो भी हुकूमती तौर पे सही तरीके से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू यार। ये जितने भाई भी वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं नंबर बताऊंगा शाहिद हुसैन भाई का, तो इसके साथ हर तरह का असला मिल जाता है। तो
ये आप देख सकते हैं 9mm ब्रीटा, और ये इसकी पहली कॉपी है। इसमें कैटेगरी भी होती है, फर्स्ट कॉपी की सेकंड कॉपी। तो इन्होंने इसके ऊपर लिखा भी है मेड इन इटली, लेकिन ये जब इधर दर आदम खैल की यहाँ पे अपना इटली वाला बाज़ार है वहाँ बनती, और इंग्लिश भी वो इंग्लिश लिखा हुआ है जो बिल्कुल मिट्टी का बनाया हुआ है। ये देखिए ये जगह, यहाँ पे लोग फायर करते। जब आप असलाह ख़रीदते हैं तो यहाँ पे टेस्टिंग के लिए फायर किए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फायर किए जाते हैं। ये देखो ये भाई अभी फायर करेगा। बस ये सेट निकला है अभी। बस यहाँ पे तबाही होती है, एक मिनट बाद फायर होती है। तो ज़रूर आए यहाँ पे। और ये सामने आप पहाड़ देख सकते हैं, कोयले के कान है। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये बच्चे के साथ सके। ये देखो ना, अभी कहते हैं मुझे वीडियो में ना। भैया ये कौन सा बंदूक है यार, थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। ये पुराना मॉडल है ये वाला? हाँ जी, ये 3x3 का है। 3x3? ये तो बहुत पुराना है। ये तो बहुत पुराना है, बावाज दहा का जमाने का है। नहीं, ये आपने अभी बनाया हुआ है या पुराना पड़ा हुआ? पुराना पड़ा है, नया तो नहीं बन सकता। ये कितने का होगा? ये भाई जान आपको लगाऊंगा 20,000 पर। 20,000 का? अच्छा, इसका तो लाइसेंस नहीं होता? लाइसेंस होता है 3x3 का। अच्छा, और ठीक है आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ? बस ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। 7mm का लाइसेंस इसका भी होता है, ममनू बोर नहीं है, लेकिन पांच रन वाला बंदूक होता है ना इस तरह। लेकिन इसका मैगजीन जो है ना ये 20 गोली का है। अच्छा, 20 गोली का? हाँ, जब लेंसस का फिर कमरबंद का जरूरत नहीं होता है ना, जब 20 गोली डालो तो 25 नहीं है, 25 इसका लेंसस में ट्रांजिशन। अच्छा, है 25 से ज्यादा नहीं है। और ये जो है ना ये 3x3 का, इसको मार 4 कहता है। मार 4? अच्छा। ये पुराने जमाने का है। अच्छा, नया नहीं बन सकता है। और इसका कीमत जो है ना जी, यानी 5,000 से लेकर 6-7,000 तक है। अच्छा। हाँ, और ये भी 3x3 का, ये भी 3x3 का, ये मार 4 है। ये छोटा, ये क्या चीज़? ये जो है ना ये M5 पिस्टल है, देसी है। देसी M5 पिस्टल है। ये 9mm का भी होता है और 30 बोर का भी होता है। अच्छा, और इसका कीमत इतना नहीं है, 8,000 से लेकर 10-11-12,000 तक है। अच्छा। जो वलायती सामान अगर डालते हैं इंग्लिश वाला, अच्छा, तो तकरीबन फिर 20-25 तक होता है। अच्छा। जब ज्यादा बाड़ी जब वलायती मिलेंगे का बाड़ में, तो फिर तकरीबन 2-2.5 लाख तक इसका कीमत होता है। ये तो बड़ी महंगी चीज़। ये BFA5 का है, लेकिन ये बड़का है। और ये जो है ना ये फोल्डिंग का है। अच्छा। और ये जो है ना ये M16 है, देसी है। M16, ये भाई जान ये 22,000-23,000 का है। अच्छा। और ये मार 4 है, ये भी पैराशूट है। ये अच्छा। ये भी 3x3 का, ये 8mm का है, मोजर है। ये क्या चीज पड़ा हुआ है ये वाला? ये भाई जान ये 12 बोर का पिस्टल है, चौकीदार मौकीदार अपने साथ रखता है ना। अच्छा, और ये
बारह बोर का है ये। अच्छा ये भी बारह बोर का है। अच्छा ये पांच रन वाला है 8 mm। अच्छा और ये तो रिपीटर रख रहे हैं मुझे। ये पंपिक्शन है, पंपिक्शन 5 रन वाला होता है। अच्छा बारह बोर का इसमें इस्तेमाल होता है पंपिक्शन। ये 222 बोर है। अच्छा ये 222 बोर है और ये जो है ना ये रिपीटर है। अच्छा ये भी रिपीटर है। ये भी ये रिपीटर है। ये 223 बोर है। अच्छा ये 5 रन वाला जो है ना ये 222 बोर का कुछ इसमें आता है। अच्छा और ये 8 mm का है। ये 12 बोर का है। अच्छा और ये जो है ना ये मेरे ख्याल में 223 बोर कारतूस इसमें आता है। अच्छा ये आपके साथ क्या लगी हुई है? ये भाई जान ये 5 रन वाला जितना होता है ना सारे 7 mm है। सारे 7 mm सारे 7 mm है। तो मामा के पास काफ़ी हथियार और वैरायटी पड़ी हुई है इसमें आप देख सकते हैं। तो एक पूरा एक दिन लगेगा आपको एक एक गन के बारे में बताते हुए। तो आप जितने भी भाई हैं मैं आप लोगों को मामा का नंबर मेंशन करता हूं, तो इससे आप रابطہ करें, जो भी गन आपको चाहिए मामा आपको देगा। ठीक है मामा, ठीक है, अल्लाह हाफिज। M16 कम ही हो जाता है। हेलो पाजी 10 मिनट दो, सिर्फ 10 मिनट दो, 10 मिनट दो। ये बहुत मोटा है। यहाँ पे नहीं मिलता गुलेल, भी आपको यहाँ पे मिलेगा, ये आप देख सकते हो। इस भाई के पास सारे एंटीक चीजें पड़ी हुई है। ये पेस्टल आप देख सकते हैं छोटे साइज की, ये आप देख सकते हैं, ये देखें। ये बंदूक आप देख सकते हैं, इस पे बड़ी बहुत ज्यादा डेकोरेशन इस पे हुआ है, ये देखें। मामा दा कम टोपक दा मामा दा कम यो दे दा चखपख, ये चीज को बोलते हैं पुश्तों में चखपख, बाकी पता नहीं। मदर लोड, इसको मदर लोड, इसकी एक अपनी, ये इसके पास बहुत ज्यादा है। ये मूंगफली भी मिलेगी, ये पाकिस्तान में और जगहों पे नहीं मिलते, यहाँ पे इस बाज़ार में आपको मिलेंगे। बड़ा ख़ास मूंगफली है मामा। दा कम दे वाला जी खटको मूंगफली, दा इसको बोलते हैं खटको का मूंगफली। ये खटक कौम का नाम आपने सुना होगा, ये बड़े मीठे होते हैं। तो आप लोग आए और यहाँ से मूंगफली लेके जाना है लाजमी। ये मामा अक्सर खड़ा होता है। हाँ मामा, अस्सलामु अलैकुम मामा। वालेकुम सलाम मामा, क्या हाल है? खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मामा क्या कर रहे हो? ये कारतूस भरते हैं ना। कारतूस? हाँ कारतूस। अच्छा दोबारा भरते हो इसे? हाँ दोबारा, इसे ये पटाखा निकाल करके फिर दोबारा दूसरा पटाखा लगाएंगे करने के लिए। अच्छा ये पटाखा आप निकाल रहे हो, दूसरा पटाखा लगाओगे? हाँ लगाएंगे। अच्छा चलने के लिए ये मरम्मत करते हैं। अच्छा तो वहाँ पे तो जहाँ पे फायरिंग होती है वो कमरे में, छोटा सा कमरा, वहाँ तो ये काफी पड़े हुए थे। कौन सी कमरे में? वो पीछे। हाँ इधर सारे गोदामी भरी हुई। अच्छा ये वो कमरा क्या है? और मामा ठीक हो? अपने रोजगार से खुश हो? बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह देखो मामा जी। वालेकुम सलाम मामा जी, आप कौन सा काम कर रहे हो, थोड़ा सा अपने फन के बारे में बताओ। पिस्टल बनाता हूँ। पिस्टल बनाते हो? हाँ हाँ।
अच्छा ये मशीनें आपकी है पड़ी हुई है ये पिस्टल पड़ा है ना ये दिखाओ थोड़ा सा अच्छा तो ये मामा जो है पिस्टल कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं ये तकरीबन 1983 से करता हूँ अच्छा तो काम चल जाता है दिहाड़ी मिल जाती है इसमें दिहाड़ी तो नहीं मिलता है 2000 खर्चा है तो 700-800 रुपये मजदूरी है वो मिल जाती है खुश हो या नहीं अपने काम खुश तो नहीं हो इतना महंगाई है कि हालात जो है ना हमारा काबू से बिल्कुल बाहर है नहीं आप लोगों का कब बाजार तेज था तेज मतलब काम सही ठीक चल रहा था किस दौर में अभी जो है ना तकरीबन ये जूनी जो के दौर में जो है ना अच्छा था जियालक अच्छा और जब अफगानिस्तान में जंग था उस टाइम भी अच्छा था या नहीं नहीं उस टाइम भी अच्छा नहीं था लेकिन रोड सस्ता मिलता था लोग जो है ना तो हमने तो ये सुना था आप लोगों का उस टाइम बड़ा काम चल गया था बहुत ज्यादा आप लोगों की डिमांड आपके पास आ रही थी डिमांड जो है ना रोन सस्ता था अभी रोन महंगा हो गया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद है ये जो है ना तकरीबन एक दाना तकरीबन 200 रुपए पे मिलता है अच्छा चलो अल्लाह बरकत डाले आमीन ये मामा के पास ये देखो पिस्टोल है ये पड़ी हुई है शुक्रिया मामा शुक्रिया इस साइड पे हम आए हैं यहाँ पे ये असला बनता है ये है जनाब यहाँ फैक्ट्रियाँ जहाँ पे ये असला बनता है तो आइए मैं आपको ये फैक्ट्रियों के अंदर लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस तरह ये असला बनता है तो ये आप देख सकते हैं ये भाई बना रहा है ये क्या चीज बना रहे हो भाई बैरल बैरल बना रहे है अच्छा वो भाई क्या बना रहे है क्या बना रहे हो भाई बैरल ये पड़े हुए क्या हाल है भाई ठीक हो ये बना रहे हो उर्दू नहीं बोलो उर्दू नहीं बोलो पुख्तो ना जोड़े ना जोड़े दा कल्तूस जोड़े कल्तूस जोड़े हां ये दा हां दा दे पके सवा चावल पटाखा दा और बारूद पके करता है बारूद कोसा बारूद जो है वो आगे फैक्ट्री में बनते हैं ये सिर्फ यहाँ पे पटाखा डालते हैं पटाखा अच्छा बोल खाए वाह जी वाह क्या बात है मामा दा नसीहत ते वरता हुकू हां
نصیحت کی ورتو کو یار بس روغ لو بس مو قدم نصیحت تو اندام کو ربار دانو ہاں اوئے ہوئے اوڑ گیا اوئے تھوڑا دین رستہ چلا گئے او موبائل روڑی ماما خیال بکے لگ مو مخ کے زی پیچھے ہو جو تھوڑا سا یہاں پہ ہر طرف فائرنگ ہی فائرنگ آپ کو نظر آئے گی جی بھائی شروع کرو اللہ کا نام لے کے یہ دیکھو یہ ابھی بھائی جو ہے ٹک ٹاک کے لیے ویڈیو بنا رہا ہے لیکن خود ڈر رہا ہے تو مجھے گولی لگی ہے یار گولی مجھے لگ گئی ہے اچھا اب یہ چھوٹا بھائی جائے گا بس 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 یہ پانی میں یہ دیکھو زگ بن گیا ہے یار یہ اچھے کام تو نہیں ہے بچوں کو آپ سکھاتے ہو اچھا ادھر سے ایک دوسرا بھائی ٹک ٹک کر رہا ہے یہاں پہ یہ بھی فائر کرے گا جو یار فائر کرو نہیں نہیں یار آپ نے فائرنگ کرنی ہے یار پھر اس طرح نہیں ہوگا پھر آپ نے یہ دیکھو آپ نے فائرنگ کرنی ہے بس 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 گولی ہم پتہ نہیں مرتا ڈسی چلو اس بائک کی بھی ویڈیو بناتے ہیں چلو ایک دے دو اس کو چلو اس کا شوق پورا ہو جائے ایک دے دو لیکن ہاں ایک منٹ ایک منٹ ہاں ہاں چل بس ادھر آ گول ویڈیو آپ کی ہمارے پاس امانت ہے ٹھیک ہے پیسے دے کے چلو یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی جنگ شروع ہے یہ دیکھو یہ دیکھو ہر طرف سے ڈز ڈز یار کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں آ کے ہمیں یہاں آ کے بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ بڑا زبردست ماحول ہے یہاں پہ سب کو آنا چاہیے وزٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ سپورٹ کرے اس علاقے کو اور یہ اسی طرح یہاں پہ اسلحہ یہ ہم پشاور کے لیے واپسی کے لیے روانہ ہو گئے اور یہ آپ درا دمخیل سے جب نکلیں گے تو یہ آپ کو نظر آئے گا درا ادم خیل یہاں پہ بہت زیادہ انجوائے کیا یہاں کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں تو میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں پہ آئیں اور بلا خوف کے اور انجوائے کریں یہاں پہ کافی اسلحے کی مارکیٹ بہت بڑی ہے فیکٹریاں لگی ہوئی ہے تو ہمیں چاہیے ہم ان لوگوں کو سپورٹ کریں اور یہاں پہ آئیں تو یہاں پہ آ کے آپ کو بہت اچھا لگے گا اگلی ویڈیو بھی انشاءاللہ میں پھر آؤں گا دوبارہ یہاں پہ بنائیں گے ابھی آج میں نے ایک شارٹ ویڈیو بنائی ہے تو یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن جو ہے وہ ضرور پریس کریں تھینک یو